व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास है चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 1331 मीटर क्यूब। हमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है 1331 मीटर क्यूब। हाँ, तो हमें पूरा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करो। हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a2। तो इसके लिए हमें a फाइंड करना पड़ेगा। तो a कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब। तो a क्यूब इक्वल टू 1331 मीटर का क्यूब। अभी इस साइड क्यूब है, इस साइड जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 1331 का क्यूब रूट मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब का मीटर रह गया और 1331 का क्यूब रूट होता है 11। तो a आ गया 11 मीटर। हाँ, तो अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना था, ये इसके बाद लिख लेना। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सिक्स वो क्या होता है, 6 into a square। a कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 6 into 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 6 into 121 होता है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 216 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगर हमें दे रखा है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है, क्यूब इक्वल्स टू 216 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a2 इक्वल्स टू 216 मीटर स्क्वायर। देखो, ये ए स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके डिवाइड में, तो 216 अपॉन 6, 6 3 18 और 6 6 36 मीटर स्क्वायर। अब ए इस साइड स्क्वायर है, इस साइड जाके स्क्वायर रूट, तो 36 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। तो ये किसका 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो होता है 6 मीटर। तो ए की वैल्यू आ गई 6 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 6 6 36 6 6 216 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।